हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियोस में हम देखने वाले हैं ये बैचलर ऑफ साइंस जर्नल्स का क्वेश्चन है इग्नू यूनिवर्सिटी का। तो एक स्टूडेंट्स ने बोला था तो सोचा आप सबके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो आप सभी भी और फ्रेंड सर्कल में तो शेयर कर सकते हो। तो हम और डिटेल वीडियोज़ हम बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट बता सकते हैं वो बताएंगे। तो BCHCT 131 का स्टूडेंट्स ने बोला था, तो हम आपके रिक्वेस्ट पे करवा रही हैं। आई होप आपको कंटेंट अच्छा समझ आएगा। देखिए इसमें टॉपिक्स आपके बताए, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, मॉर्निंग जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। मैक्सिमम मार्क्स 50 एंड आपके पास 2 घंटे होते हैं। कोई भी 5 क्वेश्चंस पार्ट ए एंड एनी 5 क्वेश्चंस पार्ट बी से। पार्ट ए में देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम सोमरफील्ड मॉडिफिकेशन ऑफ बोर एटम मॉडल। सीधा मॉडल आपने पढ़ा होगा, थॉमसन रदरफोर्ड बोर मॉडल, इसमें सोमरफील्ड मॉडिफिकेशन आती है थोड़ी सी, और ये हमने हमारे मास्टर्स की एक वीडियो सुना रखी है उसमें भी करवा रखा है। हम आपका चैनल में लिंक दे देंगे, इसी के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सबको बताइए, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम। तो अपने को बताया स्टूडेंट्स क्रोमियम के हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करें तो आर्गन 3D4 4s2 नहीं होती, क्योंकि डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका क्या आना चाहिए 3D5 4s1। वाट आर द ऑब्जेक्ट रिजल्ट टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट जो आप पढ़ते थे तो उसमें हम देखते थे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेवलेंथ पहले तो एक मैक्सिमम शिफ्ट हो जाती थी, तो धीरे धीरे डिक्रीज होती थी। लाइक आप आयरन है लोहा को गर्म करते हो, पहले रेड होता है, फिर बाद में मान लो ब्लू है, फिर धीरे धीरे वो वाइट, मतलब डिक्रीज होते जाता है, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है। तो वो वेवलेंथ का और इंटेंसिटी का एक ग्राफ भी आता है, और ब्लैक बॉडी माना गया था जो परफेक्ट 100% एब्जॉर्बर या मीटर हो उसी टाइप से है 3 नंबर का। नेक्स्ट हैंड्स रूल, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड। तो हैंड्स रूल अपने को पढ़ा स्टूडेंट, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हो तो अपने 3 रूल्स पढ़ते हैं, पोल एक्सक्लूजन, हैंड्स रूल एंड अबाउ। तो अबाउ ने तो बोला था कि एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कीजिए, पहले लो एनर्जी वाले को फिर में हायर एनर्जी। एंड जो पोल एक्सक्लूजन था वो कहता था कि ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, सेम साइड होगी तो रिपल्सन है वहाँ पर स्टेबिलिट नहीं होगा। हैंड्स रूल ने ये कहा था कि ऑर्बिटल्स में जब भी आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो वो पहले एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन पहुँचाइए, बाद में आप पेयरिंग टेक प्लेस करवाइए। हैंड्स रूल ने कहा था स्टेबिलिटी का रीजन्स था जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेल बिहेव फंक्शंस। जो फंक्शन आपका फाइनाइट जो कंटिन्यूस वैल्यू होनी चाहिए, वेल बिहेव वेव फंक्शन की, वेव फंक्शन जो साई होता है रेजोनेटिंग, और जो साइज स्क्वायर है वो आपको प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी संभावना। 2 टाइप का फंक्शन होता है ये 2 चीज़ों का, पोजिशन एंड टाइम का, साई एक्सटी जो हम लिखते हैं। राइट द रेजोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आप इजीली बना सकते हो स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लिखने हैं Cl के, और फिर आपको इनके बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है। देखो शेप ऑफ 3 p ऑर्बिटल्स, एज यू नो स्टूडेंट्स p ऑर्बिटल 3 होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं px py pz, इनकी शेप आप ड्रॉ कर सकते हो। हायर लैटिस एनर्जी kF और NeF, तो एज वी डोंट नो NeF की ज़्यादा होगी कंपेयर टू kF, क्यों स्टूडेंट, क्योंकि लैटिस एनर्जी अपने को बताया इन्वर्सली होती साइज की, लैटिस तोड़ने के जितनी बड़ी साइज होगी उतनी ही कम लगानी पड़ेगी, साइज बड़ी तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, तो NeF की ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू kF। एंड नेम द स्पेक्ट्रल लाइन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो इसका आंसर आ जाएगा बाल्मर, क्योंकि अपने को पता है हाइड्रोजन की 5 लाइन पढ़ते हो आप, लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्टन, ब्रेकर, प्रेफर्ड। तो याद रखना लाइमन होती है जो यूवी रीजन में मिलती है, बाल्मर विजिबल में, पास्टन ब्रेकर प्रेफर्ड तीनों ही आईआर में मिलती हैं। व्हाट आर द मैटर वेव्स, मैटर वेव्स बता सकते हो आप डी ब्रोकली वेव्स, तो दोनों टाइप की बिहेव शो करते हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। और आपको ये भी पता होगा पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये आए थे, वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए डाइफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, फिजिक्स में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इन फैक्टर्स को। हाइब्रिडाइजेशन आई सिग्निफिकेंस साइज स्क्वायर का, वहीं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, किस पोजीशंस पे है, वो सारे थिंग्स। हाइब्रिडाइजेशन आप इजीली निकाल सकते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि डबल बॉन्डेड वाले का sp2 हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से जा रहे हैं तो sp3, वो आप बॉन्ड से काउंट कर लोगे। नेक्स्ट देखिए कंपेयर एनी 4 प्रॉपर्टीज़ आयनिक, ये तो बिल्कुल ईजी है, 10th क्लास से ही आ रहा है आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड में। पहले आयनिक बता दो, कंप्लीट ट्रांसफर जहाँ हो रहा है इलेक्ट्रॉन को, सपोज NaCl, कोवलेंट जहाँ पे इक्वल शेयरिंग हो रही हो, बराबर की शेयरिंग हो रही हो दो के बीच में, उसको हम कोवलेंट बोलेंगे। उसका स्टेट बता दोगे आप, जैसे आयनिक कंडक्टर वाले में आयंस होते हैं तो गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, बट कोवलेंट नहीं होगा। और स्टेट के हिसाब से भी बता सकते हो आप, बॉन्ड के हिसाब से भी, स्ट्रॉन्ग वीक के हिसाब से भी बता सकते हो। तो ये स्ट्रेंथ होती है, आप 3-4 पॉइंट लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट का, BF3 0 Q1, क्योंकि स्टूडेंट्स डायपोल मोमेंट जो होता है ना, वैसे जनरल हम बात करें फार्मूला वाइज तो प्रोडक्ट होता है चार्ज और डिस्टेंस का, किसका प्रोडक्ट होता है चार्ज और डिस्टेंस का। बट अगर आपको ज्योमेट्री वाइज पूछ ले तो हम देखते थे कि परफेक्ट ज्योमेट्री जिसकी है तो वहाँ पे रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 मिलता था। तो BF3 के अंदर भी हम देखेंगे, आप हाइब्रिडाइजेशन भी निकालोगे sp2 ही आएगी, क्योंकि 1/2 बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं तो इसकी स्क्वायर वो
परफेक्ट ज्योमेट्री है, आपके पास तीन ही बॉन्ड पेयर हैं और तीनों ही आपके मतलब कोई भी लोन पेयर नहीं है यहाँ पे, परफेक्ट ज्योमेट्री है, तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, ओवरऑल रिजल्टेंट कैंसिल हो जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये हम 11th क्लास की जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर वहाँ पे करवा चुके हैं। और एक बात और बता दें स्टूडेंट्स आपको, MOT का डायग्राम का भी हमने वीडियोस बना रखी है, 5 मिनट की होगी, जरूर चेक करना, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमने एक शॉर्ट फार्मूला भी बता रखा है, 3-0.5 × n वाला। O2 का आप निकालोगे तो 2 आ जाएगा, एंड O2 नेगेटिव, इसका मतलब 16 और 2 = 18 इलेक्ट्रॉन होगी, और वहाँ से आप सोल्व करोगे तो इसकी एक वैल्यू निकलेगी। हाउ मनी क्लोराइड आयन, ये अपने को बताया कि जब इनिशियल की स्ट्रक्चर्स बनाते हो आप, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, सीजियम क्लोराइड की 8 होता है, तो उसके हिसाब से बताना है आपको। पार्ट बी में इनेंसोमर तो आप इजीली बना सकते हो, एक साइड OH लेफ्ट साइड राइट साइड कर देना, एक साइड लेफ्ट साइड कर देना, इनेंसोमर आप बना लोगे, दो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर में जो एक दूसरे के विच वन है जो लोअर पी के वैल्यू इथेनॉइक, तो आप सीधा सा देखिए लोअर पी के वैल्यू, अगर पी के नहीं होता अकेला के होता दैट मीन्स एसिडिटी डायरेक्टली होती है, बट पी के की अब इनवर्सली होती है, तो जितना ज़्यादा आपका कंपाउंड एसिडिक होगा उतनी ही पी के की वैल्यू लेस मिलेगी। तो अपने को बताया क्लोरिन और आइडो वाले में ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग कौन है, क्लोरो वाला, तो दैट मीन्स क्लोरो की पी के वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि के की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, तो इन्होंने लोअर पूछा है, तो लोअर क्लोरोन वाली क्या जाएगी, माइनस आई, वो इफेक्ट बताओगे ना, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर फ्लोरिन का सबसे अच्छा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे। राइट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट आइसोमर यूजिंग ए केमिकल रिएक्शंस, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो होते हैं, सीस और ट्रांस के, आप रिएक्शन की हेल्प से जब हम करवाते हैं तब बता पाते हो कि सीस है ट्रांस है, सीस में सेम साइड्स होते हैं और अपोज में ट्रांस में आपके अपोजिट होते हैं, डाइपोल मोमेंट के हिसाब से बता सकते हो, ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ऐसा जीरो मिलता है, सीस वाले का ज़्यादा, तो अलग अलग फैक्टर रिएक्शंस भी होती हैं जिनके हेल्प से भी हम पता लगाते हैं। एनिलीन लेस बेसिक क्यों है, ये तो काफ़ी क्लास 12th का ही क्वेश्चन समझ लो आप, क्योंकि एनिलीन होता क्या एक्चुअल में स्टूडेंट्स की, बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगाओ तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं, जब आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो लोन पेयर रिंग में हिस्सा लेना स्टार्ट कर देते हैं, इसका मतलब फ्री नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे उसकी जो बेसिसिटी है वो कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बिटवीन इथाइन एंड HBr आल्सो नेम, तो यहाँ पे जब इथाइन है ट्रिपल बॉन्ड उसमें HBr एक पोजीशन पे H हो जाएगा फिर Br हो जाएगा, अटैक करने का स्टेप्स दिखा रखा है, ये भी 12th सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोस्ट स्टेबल, तो ये कार 10 वाले से जो आप बता सकते हो, प्राइमरी है सेकेंडरी है टर्शरी, तो टर्शरी का सबसे अच्छा, फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, और कई हम ऐसे भी देखते हैं आगे आपको बताएंगे क्वेश्चंस। वुड्स रिएक्शंस अपने को पता है, वुड्स रिएक्शंस में अल्केन बनाते हैं, RX का जब अन्य के साथ लेते हो तो अन्य X बाहर हो जाएगा और अल्केन बन जाएगी चेन, और अगर फिटिंग आ जाए ना, ओनली फिटिंग आ जाए तो उसका मतलब वहाँ पे एरोमेटिक चेन जुड़ेंगी, और वुड्स फिटिंग आ जाए तो एक सिंपल एलिफेटिक और एक एरोमेटिक रिंग प्रोडक्ट में जुड़ते हैं। पेरीसाइक्लिक एडिशंस रिएक्शंस आप बता सकते हो, पेरीसाइक्लिक में सारे काम साइमल्टेनियसली सारे टेक प्लेस करते हैं, ये बता देंगे, हमने पेरीसाइक्लिक की वीडियोस भी डाली हुई हैं। मैकेनिज्म्स बताना है, HBr का से कहते हैं परोक्साइड है, परोक्साइड समझते हैं आप, समझ गए कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, एंटी मार्कोनिक क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ठीक है। राइट द नेफ्थलीन के स्ट्रक्चर्स पता है, दो बेंजीन जुड़े होती हैं तो वहाँ से आप देख लोगे। वेरियस कॉन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन की, चेयर बोट ट्विस्ट बोट, ठीक है, और भी हैं 3-4 वो बना दोगे। हकल रूल के बारे में, हकल रूल का हमने एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक को बताने के लिए किया था इसमें। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द बीटिंग, बीटिंग हो चुका आपका, IUPAC नेम आप इजीली कर सकते हो। देखिए अल्कोहल नहीं, इस कार्बन को 1 मान लेना, 1 और 2 हम करें तो 2-phenyl-ethanol इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पेपर नेक्स्ट नीचे ही हिंदी में भी सेम दे रखा है, और किसी पेपर्स का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे इस टॉपिक्स के लिए, मिनिमम 10 स्टूडेंट्स या 5-10 होने चाहिए, तो हम इसका डिटेल सॉल्यूशन अलग और सारे चैप्टर्स का भी बनाएंगे। तो कुछ समझ नहीं आया तो आप बता सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।